जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं सैयद अली कुमैल शाह, जो कि 7 साल MD डिग्री मुकम्मल कर चुका हूँ और इंशाल्लाह अगले महीने मेरी ग्रेजुएशन भी है। मैं ये MBBS ईरान, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, MBBS और MD में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर बारहा कुछ वीडियोज़ भी बना चुका हूँ और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर कुछ ऐसे ज़ाती तज्जियात भी होते हैं, तजर्बात भी होते हैं, जो कि मैं शेयर करता हूँ ताकि जो आने वाले बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो उनको आने से पहले कुछ आइडिया हो कि वो किस चीज़ को फेस करने जा रहे हैं। जनवरी के महीने में एक इस्फान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक स्टूडेंट ने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसके अंदर उन्होंने डार्क साइड्स ऑफ MBBS के बारे में वीडियो अपलोड की और बोला कि मैं क्यों इस्फान यूनिवर्सिटी को छोड़ने जा रहा हूँ। तो यानी मैं क्यों इस्फहान यूनिवर्सिटी को छोड़ा है और वहाँ पे क्या मसाइल हैं, ईरान के MBBS में नहीं आना चाहिए, उन्होंने रिकमेंड किया बहुत से बच्चों को। उसके बाद इस 6 महीने में मुझे बारहा मैसेजेस आ रहे थे और इस वीडियो का रेफरेंस दिया जा रहा था कि इस वीडियो में ये बातें की गई हैं, आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है। तो फ्रीक्वेंट मैसेजेस आए और अभी भी आ रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर ये वो कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे वगैरह। तो मैं चाह रहा था एक ऐसी वीडियो कंपाइल कर ली जाए जिसके अंदर उस वीडियो के तमाम जुज़ियात जो उन्होंने बयान किए, जो हमारे दोस्त आदिल इस्फहान यूनिवर्सिटी से तो उन्होंने बयान किए, तो मैं चाह रहा था उनकी वीडियो को भी प्ले किया जाए और साथ साथ उनकी जितने भी कंसर्न्स थे ईरान के MBBS के बारे में उसकी तरदीद और तायद की जाए जो भी वो कहेंगे। तो देखते हैं उस वीडियो में क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है आदिल इकबाल के नाम से। सो मैंने काफ़ी अरसे से, तकरीबन 8 से 9 मंथ हो गए, मैंने कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं की। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो यकीनन सोच रहे होंगे कि आजकल आदिल की वीडियो नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बना लूँ और आपको रीज़न बता दूँगा क्या रीज़न है। जैसे कि आपने टाइटल से देख लिया होगा कि मैंने ईरान में MBBS छोड़ दिया है, इसकी काफ़ी रीज़न्स हैं। शॉर्टली मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टली और मेजर मेजर प्रॉब्लम बता दूँ कि मैंने ईरान में MBBS क्यों छोड़ा है। बाकी मेरा इरादा है कि मैं एक फुल डिटेल से वीडियो बनाऊं ईरान में MBBS के क्या प्रॉब्लम्स हैं और बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या प्रॉब्लम है। हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ एक्स्ट्रा ही प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि वहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज है, ये कोई नहीं आपको बताएगा। अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त बात, इन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि ईरान के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पहले 2 साल तो इंग्लिश में तालीम दी जाती है, आपके पेपर्स भी इंग्लिश में होते हैं, के लेक्चर्स वगैरह और तमाम तर नोट्स वगैरह भी इंग्लिश में ही होते हैं और बुक्स का रेफरेंस जितने भी इंग्लिश होते हैं। लेकिन जैसे ही आपके 2 साल मुकम्मल होते हैं फिर वो फारसी में कर दिया जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ यूनिवर्सिटीज ने 3रे साल में भी, जिसे कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर ही, जिसे कह सकते हैं एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिए, लेकिन लेक्चर्स अभी भी फारसी में ही हो रहे हैं। अब इनकी जो अगला जुमला है, इन्होंने कहा है कि ये कोई आपको नहीं बताएगा। तो मेरे ख्याल से 3 साल से मैं इस टॉपिक के ऊपर, इस मौजू के ऊपर वीडियोस भी बना रहा हूँ और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखें तो उसमें बारहा मैं इस बात को बाजोर बताना चाहा है कि ये आपकी मिसकंसेप्शन है कि MBBS जो उनसे ईरान में वो इंग्लिश में, ऐसा नहीं है। तेहरान यूनिवर्सिटी में जो है वो एजुकेशन का बताइए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था और अब क्या है? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो पहले था वही अभी भी है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि कहा जाता है कि अब इंग्लिश में हो गया सब कुछ, अभी कुछ भी इंग्लिश में नहीं हुआ। फर्क सिर्फ इतना है, अब पेपर इंटरनेशनल्स के लिए सेपरेट इंग्लिश में ले लिए जाते हैं उनकी आसानी के लिए, वहाँ ऑप्शन जरूर मौजूद होती है। कहा जाता है कि आप पर्शियन में भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी आसानी के लिए हम 3रे 4थे 5वें साल में आके, बल्कि 3रे और 4थे साल में आपसे इंग्लिश के पेपर ले रहे थे, लेकिन 4थे साल के बाद आपको इंग्लिश का नाम लेना भी दोबारा नहीं, आपको सब कुछ फारसी में ही करना है, आपको हिस्ट्री टेकिंग भी सारी फारसी में करनी है, आपने अपना पेपर, अपना वाइवा, अपना सब कुछ फारसी में। सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो रेफरेंस बुक्स है, रेफरेंस बुक्स इंग्लिश में होंगी, वो थ्रू आउट द साथ साथ वही इंग्लिश में ही रहते हैं। बिल्कुल भी नहीं है। तमाम वीडियोस आप पुरानी मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स देख लें और आप वो देखें कि उसके अंदर बारहा लिखा गया। तो वजह ये होती है कि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं एजेंट्स के ज़रिए, तो एजेंट्स ने अपने, जिसको कह सकते हैं बच्चे को अपने ग्रिप में रखने के लिए, उसको लाने के लिए, वो तमाम नेगेटिव चीज़ों को ऐसे कवर करके दिखाते हैं और इसी वजह से। और फिर एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं अजीब अजीब लगती है मुझे, कि जब आप
किसी से आपका कंसर्न नहीं है, आप पैसे नहीं ले रहे, लेकिन आप उसको मशवरा दे रहे हैं ना, उसको इस चीज़ की बुक्कत नहीं होती। उनको उसी बंदे की बुक्कत है जिसको उन्होंने $500 दिए हुए हैं कि मेरा एडमिशन करवा दो, उसकी हर बात के ऊपर जी हजूरी और उसकी हर बात को कबूल किया जाता है। तो इसमें कोई जिसे कह सकते हैं हम कुछ कह नहीं सकते। मैं पिछले 3 साल से 2 साल से काफ़ी दफ़ा इस बात पे बाजोर में बताया है कि MBBS ईरान में फारसी जुबान में है 3रे साल से। पहले 2 साल वो इंग्लिश रख लेते हैं, उस 2 सालों में आपको फारसी सिखाते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल दुरुस्त, आदिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि वहाँ पर आफ्टर 2 ईयर ऑनवर्ड पर्शियन ही पर्शियन है। फर्स्ट 2 ईयर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश उनका वो लेवल नहीं है जो कि हम सोच के यहाँ से जाते हैं कि इंग्लिश होगी, उनको इंग्लिश आती होगी। हाँ, इस मौजू के ऊपर भी मैं कुछ बात करना चाहूँगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो जो पहले 2 साल में जो टीचर्स हैं ना, जो आपको इंग्लिश के अंदर लेक्चर देंगे, उनमें अभी रिसेंटली कुछ अच्छे टीचर्स आना शुरू हुए, लेकिन पिछले सालों में उनकी इंग्लिश को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं। इस कंट्री के अंदर इंग्लिश को इतना ज़्यादा, चूँकि फारसी को काफ़ी प्रमोट किया जाता है और ये फारसी पे फ़ख्र करते हैं, नेशनलिस्ट कौम है, तो ये अपनी जुबान को नीचा नहीं समझते। वो समझते हैं ये आला तरीन जुबान है दुनिया के अंदर, और इसी वजह से वो इंग्लिश के अंदर जितनी भी उनकी जिसे कह सकते हैं फोकस इतना नहीं है। ज़्यादातर हर तरह की बुक, ग्रेस, गाइटन, हैरिसन, हर बुक को इन्होंने फारसी में तर्जमा किया हुआ और उसी को रेफरेंस बुक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो कहते हैं कि आप अगर चाहें तो इंग्लिश रेफरेंस बुक्स को यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश इनकी इतनी अच्छी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी बात दुरुस्त कर रहे हैं। उनको इंग्लिश नहीं आती, बस गुजारा होता है, कुछ टीचर होते हैं वो पढ़ा देते हैं और हम एग्ज़ाम दे देते हैं, तो 2 साल तो गुजर जाते हैं। लेकिन आफ्टर 2 ईयर, 3rd ईयर, ये होता है कि पर्शियन में टीचिंग पर्शियन में होती है, जो नोट्स होते हैं वो भी पर्शियन में होते हैं, और जुज़े जुज़े होते हैं वो भी पर्शियन में होते हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसा कर रहे हैं कि उन जुज़ों को या उन नोट्स को फिर स्कैन करते हैं, एक एक को स्कैन करो और फिर उसे इंग्लिश में याद करो और एग्ज़ाम भी इंग्लिश में दो। आफ्टर 2 ईयर, 3rd ईयर जो होता है वो उसका टीचिंग प्लस नोट्स पर्शियन में होते हैं, लेकिन जो स्लाइड्स होती हैं वो स्लाइड थोड़ी होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं। उसके अलावा एग्ज़ाम आपकी मर्ज़ी होती है, इंग्लिश में दो या पर्शियन में दो, तो ज़्यादातर जाहिर सी बात है स्टूडेंट इंग्लिश में देते हैं। ये मतलब नहीं मैच करता, पढ़ो पर्शियन में लेकिन एग्ज़ाम इंग्लिश में दो, तो वो स्टडी लेवल नहीं पढ़ता। उसके अलावा आफ्टर 3 ईयर, जो 4th ईयर ऑनवर्ड, सारा पर्शियन, एग्ज़ाम पर्शियन, टीचिंग पर्शियन, हर चीज़ स्लाइड बाय स्लाइड पर्शियन हो जाती है। तो हमारी पाकिस्तान की 7th ईयर की डिग्री है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है पर्शियन में पढ़ना। और उसके अलावा ये है कि हम स्कॉलरशिप बेस पर गए थे, मेरा स्कॉलरशिप था तकरीबन 50%, और बाकी भी स्टूडेंट जो हमारे 4-5 बैच हैं वो तकरीबन स्कॉलरशिप, उनका टोटली स्कॉलरशिप ज़्यादा था। अब तो स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, लेकिन पहले जो हमारे बैच थे, हमसे जो नीचे वाला बैच है वो भी स्कॉलरशिप बेस पर गए थे, तो स्कॉलरशिप मेंटेन नहीं होता। पहले मैं तकरीबन गया था 50% स्कॉलरशिप पर, लेकिन मेंटेन करना काफ़ी टफ हो जाता है। फर्स्ट 2 ईयर तो आप मेंटेन कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से, वैसे भी कुछ स्टूडेंट नहीं भी करते, सब्जेक्ट फेल हो जाते हैं। अगर सब्जेक्ट फेल हो जाए तो, अगर मेजर सब्जेक्ट एक भी फेल हो जाए आपका, आफ्टर 2 ईयर एग्ज़ाम होता है अलूम पाया, तो वो आप नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। इसके अंदर भी मैं ये जो इन्होंने बात की है ये तफसील मांगती है। मोस्टली होता ये है कि पाकिस्तान से वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका पाकिस्तान के अंदर एडमिशन नहीं हो पाता, बेहतर जिसे कह सकते हैं मेजॉरिटी जो उनसी होती है वो मीडियम एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, और जो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको ईरान में आना होता है। लेकिन कहा जाए, मेजॉरिटी को देखा जाए तो बच्चे एवरेज होते हैं, यानी उन मेहनती ज़रूर होते होंगे लेकिन वो उस लेवल की चीज़ों को ग्रिप करना और वो जिसे कह सकते हैं ना कि एकदम से इतना बर्डन आ जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेडिसिन की तालीम वैसे भी मुश्किल है, लेकिन अगर वो फारसी ज़ुबान में हो तो वो और मुश्किल हो जाती है। तो इस लेवल के ऊपर एवरेज बच्चों का ना सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने जो बात की कि जब एक फारसी ज़ुबान के अंदर इम्तिहानात लिए जाते हैं, और फारसी इम्तिहानात ज़ुबान के अंदर जो इम्तिहान होते हैं, जब बच्चे फेल हो जाते हैं, तो असल में ईरान के कुछ कवानीन बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रिक्ट से हैं। ईरान के जितना भी इनका एजुकेशनल कुरिकुलम है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक सेमेस्टर के अंदर आपको 20 क्रेडिट से ज़्यादा क्रेडिट्स नहीं मिलते, उमूमन नहीं मिलते। अब आपका क्या हुआ, आपने एक सेमेस्टर में 4 क्रेडिट फेल कर दिए, ठीक है,
अब वो 4 क्रेडिट फेल कर रही है, यानी आपके 20 में से 16 क्रेडिट पास हैं, 4 फेल हैं। अब ये 4 आपने अगले सेमेस्टर में लेने हैं, ठीक है। जब वो अगले सेमेस्टर में लेने हैं ना, तो वो 4 अगले सेमेस्टर में तो ले लिए, अगले सेमेस्टर के 20 पूरे नहीं होंगे, फिर वो 20 नहीं लिए जाएंगे। अब जब अगले सेमेस्टर के 20 की जगह उन अगले सेमेस्टर के 16 और पिछले के 4 लिए, फिर 4 बच गए। वो 4 अगर हो सकता है फिर अगले सेमेस्टर में भी कोई फेल हो जाए 2 क्रेडिट्स, तो ये कोई ना कोई क्रेडिट एक दो अगर फेल हो जाता है वो तो कंपनसेट हो सकता है, लेकिन अगर 3 क्रेडिट 4 क्रेडिट फेल हो जाते हैं तो आगे उलूम पाया का इम्तिहान होता है। उस लूम पे इम्तिहान से पहले सारे क्रेडिट पास होने चाहिए। अगर आपके नहीं पास, आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लेना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, डिग्री की ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी। ये जिसे कह सकते हैं, ये मसला बहुत ज़्यादा तेरान यूनिवर्सिटी के अंदर था, जिसको फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सॉल्व भी कर रहे हैं। हमने जो काउंसिल बनाई, स्टूडेंट काउंसिल, अगर आप भी चैनल के साथ काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड हैं तो आपको वो दिखा भी होगा कि हम उस काउंसिल पे काम कर रहे थे, स्टूडेंट काउंसिल है, उसके अंदर हम इस तरह के मौजूदात को लेके चले और बहुत सारे मौजूदात सॉल्व भी किए हमने। तो बच्चों की ये वाला जो चीज़ थी, और दूसरी चीज़ फिर जो बच्चे स्कॉलरशिप के ऊपर आते हैं, स्कॉलरशिप के ऊपर जब आते हैं और फिर सेमेस्टर फेल होता है, यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि इसका जीपीए अच्छा नहीं है, तो स्कॉलरशिप डिक्रीज हो जाती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की, और ये दुरुस्त बात, मैं इस चीज़ की तायद करूँगा कि बच्चों को इधर आने से पहले इस बात को ज़रूर मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर वो प्रेशर को नहीं कर सकते, कोप नहीं कर सकते प्रेशर को, और बर्दाश्त नहीं हो सकता, और उनका एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगेगा, तो आया क्या घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है? अगर नहीं है तो बिल्कुल उस ऑप्शन को मत चूज़ करें। अगर फर्स्ट इशू को तो आपको पता चल गया होगा कि पर्शियन है, और उसके अलावा दूसरा इशू ये है कि एमडी डिग्री है। एमडी डिग्री ये है कि 7 साल की डिग्री है ईरान में, एमबीबीएस एक्सेप्ट नहीं है। फिलहाल एमडी डिग्री एक्सेप्ट है, एमबीबीएस ईरान की एक्सेप्ट नहीं है। तो एमडी जो है 7 ईयर की डिग्री है। ईरान के अंदर ओवरऑल शुरू से लेके अब तक 7 साल डिग्री करवाई जाती थी एमडी डिग्री, लेकिन 2000 जिसे कह सकते हैं 18 में, 2018 के करीब इन्होंने बच्चों ने जब दरख्वास्त दी कि हम लोग इतनी 7 साल डिग्री लंबी है, हमें हाउस जॉब के बगैर, जो 18 महीने एंड के हैं हाउस जॉब या इंटर्नशिप, उसके बगैर डिग्री दे दें, हम अपने ममालिक में जाके हाउस जॉब कर लेंगे। तो 5.5 साल जो उनसे ड्यूरेशन, थीसिस मिला के 6 साल बन जाता है, तो वो 6 साल जो एमबीबीएस की डिग्री थी वो उस वक़्त जब ये बच्चों ने कहा था, तो वो उस वक्त कहीं से भी, कोई भी ईरान की यूनिवर्सिटी कहीं से रिकग्नाइज नहीं थी वो डिग्री, वो ऐसे ही उन्होंने स्टार्ट कर दी बच्चों को डिग्री देना। बारहा इस चीज़ के ऊपर वर्क किया गया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। मैंने भी बात की कि कुछ ऐसे एक्रेडिट इंस्टीट्यूशन हैं जिनके ज़रिए उनको उस डिग्री को रिकग्नाइज होना चाहिए। हमने अपने ज़ाती तौर पे तेरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के सीनियर स्टूडेंट्स होते हुए हम सारों ने काफ़ी जोर डाला। तो दुनिया के अंदर WFME एक वाहिद एक ऐसे एक्रेडिटेड एसोसिएशन है जो सारे ममालिक AMC उसको मानता है, लैब जब देने जाएं UK उसको मानता है। उसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी और उसकी डिग्री ज़रूर रजिस्टर होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम। अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देख रहे हैं, WFME कॉमन बात है आपकी, उस वर्ल्ड डायरेक्टरी के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, वो डिग्री भी होनी चाहिए। ईरान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ मौजूद थी, लेकिन उनकी सिर्फ MD डिग्री, 7 साल MD डिग्री मौजूद थी। तेरान यूनिवर्सिटी का जब हमने स्टार्ट किया, ईमेल वगैरह की, तो तेरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज फिर WFME के अंदर आज रिकगनाइज होगी, सिर्फ तेरान हुई। फिर समनान वालों ने भी जोर दिया, समनान यूनिवर्सिटी भी होगी WFME के अंदर, MBBS 6 साल डिग्री, उसके बाद 5.5 से 6 साल, उसके बाद फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने भी आराम आराम से शुरू किया। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 ईरान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें शिराज, तेहरान, समनान और मेरे ख्याल से इस्फहान भी मौजूद है, इस्फहान यूनिवर्सिटी, उसका भी MBBS वहाँ पे अब रजिस्टर हुआ हुआ है। फिर ऐसा था कि ECFMG, जो अगर आप US जाना चाहते हैं उसके अंदर भी हमारे रजिस्टर होना ज़रूरी था, लेकिन ईरान की कोई यूनिवर्सिटी ECFMG जो एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट है या फिर इदारा है जो कि यूनिवर्सिटीज़ और डिग्रीज को क्रेडिट करता है, उनकी भी उसके अंदर भी मौजूद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन फिर हमने दोबारा एप्लीकेशंस वगैरह दी, काउंसिल के थ्रू वर्क किया, और इस वक्त पूरे ईरान के अंदर वाहिद एक तेरान यूनिवर्सिटी है जो कि ECFMG के साथ भी क्रेडिट हो गई है। अभी आपको उसका स्क्रीनशॉट भी मैं दिखाऊंगा। तो यानी ये वर्क करना पड़ता है, मुश्किलात ज़रूर आती हैं, ये जितने भी आदिल जो भी बात कर रहे हैं ये मुश्किलात ज़रूर हैं, चाहे वो फारसी का हो, वो हो,
चाहे स्कॉलरशिप का हो, चाहे डिग्री का एक्रेडिटेशन हो, रिकॉग्नाइज होना हो, ये सारे के सारे मुश्किलात मौजूद थे। स्टूडेंट्स का यूनियन होना, स्टूडेंट्स के मिल के इस मुश्किलात पे वर्क करना ज़रूरी था। इन्होंने जो बातें करें ये तो प्रॉब्लम बेस्ड बातें इन्होंने की हैं, मैं उसके बिल्कुल तायिद करता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त बात करें, ये प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। लेकिन वहाँ पे मौजूद स्टूडेंट्स, इनके पास कोई चांस नहीं, आपके पास चांस था, आप वापस गए मिसाल के तौर पर, तो वहाँ पर मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि इन मुश्किलात पे वर्क करें, यूनाइटेड हों, सारे मिल के बैठ के कहें यार हमने इसको सॉल्व करना है, कुछ भी हो जाए हमने इसको सॉल्व करना है, तो करें चलें आगे देख। अब मेजर इशू सेकंड ये है कि 7 ईयर की डिग्री थी, अब थर्ड इशू ये है, अब फर्स्ट 2 ईयर इंग्लिश है तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं, अगर कोई सब्जेक्ट मेजर फेल हो जाए, अलूम पाया एग्ज़ाम होता है बेसिक साइंसेज जो कि अपने 2 साल में पढ़ा है वो पास करना होता है, जिस स्टूडेंट का वो किसी भी सब्जेक्ट में फेल है मेजर में हमारी यूनिवर्सिटी में अलूम पाया के लिए एलिजिबल नहीं है, तेरह यूनिवर्सिटी में ये होता है कि वो अलूम पाया दे दे, सब्जेक्ट रह गया वो बाद में देता रहे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में ये है कि वो पहले सब्जेक्ट क्लियर करो उसके बाद आप अलूम पाया दो। नहीं, मामूलन ऐसा नहीं होता है, जिसे कह सकते हैं कि हाँ सब्जेक्ट फेल हो जाता है आपको अलूम पाया से पहले सारे सब्जेक्ट क्लियर करने, लेकिन अभी रिसेंटली ये हुआ है कि अलूम पाया को इन्होंने 4 सेमेस्टर्स के बाद कर दिया, पहले क्या होता था 5 सेमेस्टर के बाद होता था, अब क्या होता 5 सेमेस्टर के बाद आपने प्री क्लिनिकल फेज में जाना होता था, अब क्या हुआ है कि अगर 4 सेमेस्टर में अगर आपने जिसको कह सकते हैं कि आपने सारे सब्जेक्ट पास कर लिए, एक दो रह गए, तो फिर वो एक दो केस के लिहाज से केस बेस्ड आपका उसके ऊपर वर्क किया जाता है और उसको सॉल्व किया जाता है। बी फरमाए मुश्किलें उसकी केस बेस्ड जिसे को कह सकते हैं वो सॉल्व किया जाता है, कि अगर सारे बच्चों के लिए उमूमन पॉलिसी नहीं है, लेकिन हाँ किसी एक ख़ास केस आया है उसको अगर कमेटी के अंदर बात की गई है कि यार ये बच्चे का एक दो क्रेडिट फेल है, तो उस एक दो क्रेडिट की बुनियाद के ऊपर वो आगे अगले 5वें सेमेस्टर में ले सकता है। अब जिस स्टूडेंट का वो सब्जेक्ट फेल हो उसे 6 मंथ आगे डिले हो जाता है तब वो अलूम पाया दे सकता है, ये हो गए 7.5 साल हो गए आपकी डिग्री के, जब आपका कोई सब्जेक्ट 2-3 सब्जेक्ट फेल हो गए या 1 सब्जेक्ट फेल हो गए आप इनएलिजिबल हैं अलूम पाया के लिए, देन आपकी डिग्री 6 मंथ आगे हो जाती है, ये तकरीबन 7.5 साल हो गए। उसके अलावा अगर कोई नेक्स्ट वो सब्जेक्ट पास करता है 6 मंथ में, अब वो एलिजिबल हो गया, अब खुदा ना खास्ता अगर वो एलिजिबल हो तो गया, लेकिन अगर अलूम पाया क्लियर नहीं कर सकता तो 6 मंथ और लग गए उसे, ये 8 साल की डिग्री हो जाती है, पहले 2 साल में पता चल जाता है कि आपकी डिग्री जो है वो 8 साल में जा रही है। उसके अलावा जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं तो वो डिग्री पता नहीं 8-9 साल तक चली जाती है उन स्टूडेंट के लिए जो मतलब एवरेज हैं, जो ईरान में तो तकरीबन हमारा जो साउथ पंजाब है वो जाता है, ये जो लाहौर है, मुल्तान है और आगे इस्लामाबाद, यहाँ से बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं, हमारे जो साउथ पंजाब है सारा बेल्ट तकरीबन ईरान वही जाता है, मैं भी साउथ पंजाब से हूँ तो मैं भी इंक्लूड हूँ उसमें, मैं भी वहीं से गया था, अब भी स्टूडेंट जा रहे हैं तो वहीं साउथ पंजाब से जा रहे हैं, और उसके अलावा स्टूडेंट को पता नहीं होता मुझे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पे मैंने जैसे पहले ही बात की कि यहाँ पे ना तेहरान के अंदर या ईरान के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स जौन से हैं वो जनूबी पंजाब से आते हैं, अपर पंजाब से जौन सा है इतना ज़्यादा नहीं आते। लोअर पंजाब से आने की वजूहत, सबसे पहली वजह यह है कि शुरू के जो बच्चे आए थे वो लोअर पंजाब से आए थे, तो उन्होंने जब एक इलाके से कोई बच्चा आता है तो फिर वो उसकी एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी ये बात कि जो लोअर पंजाब के बच्चे हैं क्योंकि उनके नंबर्स भी अच्छे होते हैं तो वो फिर उनको ऑप्शंस के लिए चूज़ जिसको कह सकते हैं वर्क करते हैं, और मैंने नोट किया लोअर पंजाब के लोग रिस्क लेने की काफ़ी ज़्यादा ना रिस्क लेने के लिए डरते नहीं हैं, तो वो कहते हैं चलो ठीक है जी भेजो मुंडे नू, तो वो फिर ना भेज देते हैं आगे बगैर किसी चीज़ को एक्नॉलेज किए कि आगे जाके क्या होगा, मसले क्या होंगे और मुश्किलात क्या होंगी। अपर पंजाब के लोग चूंकि इस चीज़ को लेके काफ़ी सोचते हैं कि क्या होगा वहाँ जाके क्या करेगा, पहले काफ़ी ज़्यादा उधर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा रीड करते हैं, वहाँ के मामलात को देखते हैं, चाहे यूट्यूब सर्च करेंगे देखेंगे। मुझे अब याद पड़ता है मुझे लोअर पंजाब से इतने ज़्यादा लोग कॉन्टैक्ट नहीं करते जितने अपर पंजाब से करते हैं, और फिर नहीं आते, यानी कराची से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट करते हैं लोग, फैसलाबाद से, लाहौर से, लोअर पंजाब से ज़्यादातर नहीं कॉन्टैक्ट करते लोग। वो जब आ जाते हैं देखते हैं कि मसले हैं मुश्किलात हैं तो फिर उनको याद आता है कि
अभी यहाँ पे तो सरवाइव करना मुश्किल होगा। भी पता कुछ चीज़ों का था, सेम एमडी का मुझे पता था लेकिन मैं चला गया, और उसके अलावा बाकी पर्शियन लैंग्वेज का ये कुछ पता था लेकिन इतना ज़्यादा पता नहीं था। उसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी में ये है था कि अगर कोई सब्जेक्ट फेल हो जाए, पहले पहले जो दो तीन बैच थे उनका ये था कि जो सब्जेक्ट फेल हो जाए उसके पर क्रेडिट $150 पे करना पड़ता है, अगर किसी सब्जेक्ट के तकरीबन 2 क्रेडिट हैं तो वो $300 अबाउट 50,000 बनता था एक सब्जेक्ट। अब एक सब्जेक्ट लेने के लिए रिटेक के लिए 50,000 पे कर, अब घर से बंदा कैसे मंगवाए कि हमारा सब्जेक्ट फेल हो गया है हमें पैसे दें। काफ़ी ये चीज़ सिर्फ इस वान यूनिवर्सिटी के अंदर है और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, तेरा यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, मैंने और किसी और यूनिवर्सिटी का ये मसला नहीं सुना। इस वान यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो मसला था, मैं ज़ाती जो मेरा तजर्बा है, ये स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते थे। स्टूडेंट्स इस चीज़ को अगर सीरियसली लेते, सारे यूनाइटेड होते इस मसले को, उनको चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ ईरान तक जाना पड़ता वो जाते। और अभी भी जितने बच्चे हैं वहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे मुखातिब होकर ये कह रहा हूँ कि आप लोग इकट्ठे हों, जब आप एक पेज पे आएँ आप इकट्ठे होकर सारे सिग्नेचर लें, एक लेटर लिखें कि हमें इस तरह का कोई चीज़ नहीं चाहिए, आप हमसे सेमेस्टर वाइज पैसे लें, फिक्स्ड अमाउंट जो उनसे है। लेकिन एक और चीज़ मैं बात करता चलूँ, ये चीज़ जब वो रूल फिक्स्ड आ जाएगा तो फिर आप लोग खुद कहोगे कि हमारे सिर्फ मेरा जी 2 क्रेडिट फेल है, मैं उस 2 क्रेडिट को फेल करके एक नया सेमेस्टर लिया, अब नए सेमेस्टर में पूरे सेमेस्टर की फीस दूँ। अब ये भी देखें वो अभी क्या कह रहे हैं, एक एक अगर क्रेडिट फेल है उसके पैसे आपसे ले रहे हैं उस क्रेडिट्स के हिसाब से, फिर जब आपका पूरे सेमेस्टर में सिर्फ 4 क्रेडिट्स आपने लिए हैं, 20 की जगह 4 लिए हैं, तो आप पूरे 20 के पैसे दोगे फिक्स्ड अमाउंट। तो इस पे आपने खुद भी सोचना, वहाँ पे मौजूद बच्चे बच्चों ने भी सोचना। बच्चे अक्सर ये मेरा, चूंकि काफ़ी ज़्यादा आजकल इस मामले में बच्चे मुश्किल बताते हैं, तो मैं देखता हूँ बच्चे खुद मुश्किल भी बताते हैं, फिर जब वो सोल्यूशन मिल जाता है उस सोल्यूशन के अंदर भी वो जिसे कह सकते हैं खुश नहीं होते कि ये सोल्यूशन ठीक नहीं है जी हमें, ये तो मसला हो गया। तो ये खुद सोचें कि क्या अगर सिंगल क्रेडिट के जो वो आपसे अमाउंट ले रहे हैं जितनी भी, वो क्या अगर आप फेल हुए हो वो आपके फ़ायदे में या नुकसान में। स्टूडेंट के सब्जेक्ट मतलब फेल हुए, उन्होंने पैसे पहले भरे, फिर हम उन्होंने मतलब जोर लगाए हमारी यूनिवर्सिटी में कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो फिर उन्होंने चेंज किया, उन्होंने कहा कि अगर किसी सेमेस्टर में जगह है तो देन आप फ्री ले लें वो सब्जेक्ट, अगर जगह नहीं है तो देन आपको वो क्रेडिट पे करने पड़ते हैं। तो तकरीबन किसी सेमेस्टर में जगह होती है, किसी में नहीं होती। इसी तरह ये तो हो गया मेजर मेजर इशू। मेरे पास ऑप्शन थे, एक साल हो गया था मेरा MBBS का, या तो मैं वहीं रहता ईरान में डिग्री कंप्लीट करता, या मैं माइग्रेशन करवा लेता। अब हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे मेजर इशू ये है कि वो माइग्रेशन नहीं देते पूरे ईरान में। ईरान में बाकी मेजर इशूज़ तो सेम है, लेकिन ईरान में ये है कि तेहरान यूनिवर्सिटी जो है वो माइग्रेशन देती है, अगर कोई स्टूडेंट माइग्रेशन करवाना चाहे तो चला जाए, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में ये है कि माइग्रेशन तब देते हैं जब अब अपना स्कॉलरशिप जो है वो वापस कर देते हैं। अब मेरा 50% स्कॉलरशिप था, मुझे 5,000 से $5,500 तक देने पड़ते हैं, वो तकरीबन 13 लाख बनता है। तो 13 लाख बनता है, ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए थी आपको। माइग्रेशन से मुराद उनका ट्रांसक्रिप्ट लेना है, ठीक है, ये बहुत अहम मौजू है, इसके ऊपर पूरी सेपरेट वीडियो मेरी बनानी चाहिए, बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ रहे इस मौजू को। आपको आप मेरे ख्याल से इनकी मुराद ये है कि ट्रांसक्रिप्ट जो उनसा है वो इस फाइन यूनिवर्सिटी नहीं देती। अगर आप मसलन दूसरे साल में कहते हो जी मैं डिग्री छोड़ रहा हूँ मुझे आप ट्रांसक्रिप्ट दे दें, तो वो ट्रांसक्रिप्ट जो उनसा होता है वो आपको वो नहीं देती, तेरा यूनिवर्सिटी देती है, आप ये कह रहे हो। और फिर आप कह रहे हो कि वो पूरी स्कॉलरशिप विदाउट स्कॉलरशिप पूरी फीस पे करनी है फिर ट्रांसक्रिप्ट देते हैं, राइट। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं इस पे आगे तफसील बताता हूँ। होता ये है कि आजकल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ ईरान जो उनसी है वो हर यूनिवर्सिटी को 50 सीट दे रही है, किसी को 60 सीट दे रही है कि आप इन 60 सीटों पर MBBS और MD में बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। 60 से 1 सीट ज़्यादा नहीं मिलेगी, 1 सीट कम नहीं मिलेगी, ठीक है। अब जब 60 सीट तेहरान यूनिवर्सिटी को मिल गई, उसने जी ऐलान कर दिया, अनाउंस कर दिया कि मेरे पास अब MBBS में सीटें हैं, आप अप्लाई करें। तकरीबन 1,000 बच्चे ने अप्लाई कर दिए, ठीक है, उनके पास 1,000 एप्लीकेशन आ गई, हज़ारों ने अप्लाई कर दिया। और जब वो 1,000 एप्लीकेशन आ गई तो उसकी बुनियाद के ऊपर 1,000 में से उन्होंने 60 चूज़ कर लिए। अब जब 60 चूज़ कर लिए, आप उनमें से एक थे, आपको उन्होंने स्कॉलरशिप दी तकरीबन 50%। आपने क्या किया, दूसरे साल में जाके आपको एकदम याद आया कि मैं जी यहाँ पे नहीं सर्वाइव कर सकता, मैं अपने मुल्क में जा रहा हूँ।
आपने कहा अपने मुल्क में जा रहे हो, ठीक, लेकिन आपके इस वजह से, इस एक्शन की वजह से उनकी एक सीट ज़ाया हो गई, अब उनकी है 59 सीट्स। वो जो आगे उनको अगले 5 साल उस एक सीट के पैसे मिलने थे वो तो उन्हें नहीं मिल रहे। वो जो 1,000 बच्चों ने अप्लाई किया था उनके वो ऑप्शन थी उनके पास, तो वो आपने उनकी ऑप्शन ही जिसे कह सकते हैं ज़ाया कर दिए। वो अगले 5 साल के पैसे उनको कौन देगा उस सीट के, ठीक है, उन्होंने भी अपना बजट, आप एक वन साइडेड मत देखें। तो वो क्या करते हैं इस बुनियाद पे कि आपके जो अगले साल के आखिरी साल की जो फीस होती है वो स्कॉलरशिप के बगैर वो कहते हैं हमें दे दें, हम आपको ट्रांसक्रिप्ट दे देंगे, ठीक है। या तो मेरे पास ऑप्शन था कि या मैं माइग्रेशन करवा लूँ, या मेरा ये था कि या मैं शुरू से चाइना चला जाऊं या रशिया चला जाऊं, तो मेरे पास ये ऑप्शन था, या मैं आफ्टर 2 ईयर माइग्रेशन करवा कर किसी और कंट्री में चला जाऊं या पाकिस्तान वापस आ जाऊं। लेकिन अगर मैं आफ्टर 2 ईयर आता तो मेरा डबल हो जाना था जो माइग्रेशन का ट्रांसक्रिप्ट लेने वाला सीन था। ट्रांसक्रिप्ट मुझे पड़ती तकरीबन 23 लाख में, सेकंड ईयर मेरा स्कॉलरशिप बना था मुझे 70% मिली थी, लेकिन वो मेरे बन रहे थे डॉलर तकरीबन $10,000 तक, तो मेरे लिए ये काफ़ी इशूज बन जाता कि मैं उस यूनिवर्सिटी को माइग्रेशन लेने के लिए, ट्रांसक्रिप्ट लेने के लिए मुझे 23 लाख देना पड़ता सिर्फ। अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं जाता माइग्रेशन लेकर उसे भी तकरीबन 8 से 10 लाख देना पड़ता, 30 लाख में ये मुझे पहले 2 साल 3 साल लगते। तो मेरे पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड थे, या तो मैं ईरान में रहता वहीं असफान यूनिवर्सिटी में कम्प्लीट करता, जैसा कि कुछ स्टूडेंट फंसे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो रशिया की तरफ निकल गए हैं, कोई माइग्रेशन करवा के और यूनिवर्सिटी में चला गया है और वो पैसे देकर जो ट्रांसक्रिप्ट लेनी थी वो लेकर चले गए, और कोई स्टूडेंट पीछे पाकिस्तान वापस आ गए, मैं भी उनमें से था जो कि मैंने डिसाइड करके पाकिस्तान वापस आ जाऊँ, यहाँ पर MD कैट दूँ और यहाँ पर ही स्टार्ट कैरी ऑन करूँ अपनी MBBS। तो सो माइग्रेशन के लिए तो काफ़ी टफ सीन हो जाता आफ्टर 2 ईयर, 1 ईयर के बाद ही डिसाइड करना था कि या मैं वापस चला जाऊँ या मैं रहूँ, तो असफान यूनिवर्सिटी सारा जितना भी लगता चलो खैर है लगाऊँ, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी इशूज़ है, जैसा कि बताया डिप्रेशन ही डिप्रेशन था। 90 से 95% वहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो चाहते हैं कि हम निकल जाएँ, लेकिन वही इशू वही है कि उनको माइग्रेशन नहीं मिल रही, अगर माइग्रेशन मिल जाए तो तकरीबन 95% स्टूडेंट निकल जाएँ। अब फिलहाल तो यही चल रहा है, तेहरान में स्कॉलरशिप मिलता है वो पे नहीं करना पड़ता, और यूनिवर्सिटीज में भी स्कॉलरशिप अगर मिले तो वो पे नहीं करना पड़ता, माइग्रेशन ईजिली दे देते हैं आपको, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो माइग्रेशन मैंने आपको पहले भी बोला, जब आप माइग्रेशन करवाते हैं आपको आखिरी जो साल होता है उसकी विदाउट स्कॉलरशिप पूरी फ़ी पे करो तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट दे देंगे, और मोस्टली ये हर यूनिवर्सिटी का यही रूल है इस वक्त, पहले जो भी होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी राइट नाउ यही रूल है कि अगर आपने माइग्रेशन लेनी है तो आखिरी साल की पूरे साल की पूरी जो फ़ीस है विदाउट स्कॉलरशिप आपको पे करनी है। रोला डाला हुआ है कि अभी तक यही सीन चल रहा है, 2 दिन पहले मेरे एक सीनियर से रब्ता हुआ तो वो $5,000 से ऊपर देकर वो ट्रांसक्रिप्ट लेके आ रहा है। कल एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, वो उसका ट्रांसक्रिप्ट के लिए बना $8,000 वो भी पे करेगा, हालांकि ये कहीं भी ईरान में पूरे जो यूनिवर्सिटी ईरान की ये स्कॉलरशिप देती हैं वहाँ पर रूल नहीं है कि आप स्कॉलरशिप वापस करो, ये हमारी असफान यूनिवर्सिटी में यही रूल है कि आप स्कॉलरशिप वापस करो, रूल है बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, इसी वजह से स्टूडेंट फंसे हुए हैं। थर्ड ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊं और MD कैट दूं और उसके बाद मैं MBBS में यहां पर एडमिशन लूं, तो मैंने थर्ड को प्रेफर किया क्योंकि ये ज़्यादा सेफ था मेरे लिए, क्योंकि अब मैं रशिया या उस साइड पर जाता जॉर्जिया, तो मेरे पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड थे बाकी स्टूडेंट्स की तरह, तो मैंने थर्ड ऑप्शन को प्रेफर किया, काफ़ी टफ था लेकिन करना पड़ा, मजबूरी थी, उसके बाद मैंने MD कैट दिया। MD कैट के बाद अब मेरे अच्छा एग्रीगार्ड बना हुआ है, तो मैंने अप्लाई किया हुआ है प्राइवेट कॉलेजेस में, तो इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि नेम आ जाएगा, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो इंशाल्लाह नेम आ गया होगा। तो ये सीन था, अब प्रेजेंट सिचुएशन मेरी ये है कि मैंने कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ है और इंशाल्लाह मेरा उम्मीद काफ़ी है कि अच्छे कॉलेज में। जी सबसे पहले तो बेस्ट विशेज आपको, और आप जिधर भी जाएं आपको काफ़ी ज़्यादा मुलाकात आसानियाँ अदा करें और आपके फ्यूचर सिक्योर हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपके MD कैट में जो पास हो गया होगा और एडमिशन आपका कहीं ना कहीं हो गया होगा, मैं आपसे रबते में तो नहीं, लेकिन इस वीडियो की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स थे बच्चों को, वो उसकी तायद मेजॉरिटी पे मुझे तायद करनी थी और कुछ ऐसी बातें थी उसकी तरदीद करनी थी।
मैं आपसे यही सब बच्चों से यही गुजारिश करूंगा कि इधर आने से पहले कम अज़ कम किसी बंदे से रابطہ कर लिया करें, उससे नहीं जो एजेंट हो, किसी और से कोई कोई ट्रस्टी बंदे से कोशिश किया करें, वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनके तजर्बात सुने पहले फिर आएँ। ऐसे ही सिर्फ एक डिग्री के खातिर अपने पूरा फ्यूचर, अब मुझे भी दुख हो रहा है कि उनके एक तल्ख हकीकत उन्होंने फेस की है, आदिल ने, और वो कुछ वजूहात भी हैं उसकी। एक बात याद रखें, जब इंसान एक काफ़िले में जा रहा होता है, जो काफ़िले से पीछे रह जाता है ना, तो वो काफ़िले वाले भी बुरे लग रहे होते हैं, रास्ता भी बुरा लग रहा होता है, रास्ता भी से भी कोफ्त आ रही होती है, और हालात, मौसम, वो सारे कुछ, हर चीज़ उसकी तलखी बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रही होती है। तो मैं समझ सकता हूँ इनको, इन्होंने क्या फेस किया, लेकिन इसका दूसरा रास्ता भी था। दूसरा रास्ता ये था कि आप वहाँ पे रहते, सरवाइव करते, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को यूनाइटेड करते, ये सबसे मुश्किल था वैसे, उन सारे स्टूडेंट्स को यूनाइटेड करते, उन मसलों को सॉल्व करते, ताकि बाद में आने वाले बच्चों के लिए बहुत आसानी होती है, और अपनी डिग्री मुकम्मल करते। लेकिन फाइनेंशियली जो होता है, बर्डन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, यानी वो बहुत ज़्यादा इंसान को परेशान कर देता है। चलिए, वीडियो लंबी हो रही है, मेरी यही गुजारिश है आप सबसे कि इधर आने से पहले स्टडी किया करें, देखा करें, और फिर आएँ इधर। अभी कि जितने एजेंट्स, अच्छा, एजेंट्स क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी से सेपरेट लेते हैं पैसे, कमीशन पर बच्चा उन्हें $1,000, $900 मिलता है तेरा यूनिवर्सिटी से। बाकी यूनिवर्सिटी से जो यूनिवर्सिटी है वो $500 पर बच्चा पे करती हैं एजेंट को। तो जब उस बंदे को 10 स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसे कह सकते हैं, $9,000 मिल रहा है, तो वो तो आपको कोई भी झूठ बोलेगा, उसके उसके लिए तो आसान ही है। उसने तो कहना है पूरा MBBS इंग्लिश में है, उसने तो कहना है यहाँ पे बाहरें लगी हैं, सारा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुश्किल है। आप जब फॉरेन कंट्री आए हो, तो यानी आप अपने कंट्री में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन आप कोई अल्टरनेटिव वे चूज़ करे जो कि मुश्किल है, जो कि महंगी है, लेकिन आपको डिग्री चाहिए किसी भी कीमत पे, वो कीमत फिर अदा करनी पड़ती। फिर किसी और वीडियो में इंशाल्लाह बाकी मौजूदात पर बात करेंगे। अभी चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज़।